नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, गुस्सा एक ऐसी बीमारी है जो सब कुछ खत्म कर देती है। एक गुस्सा आपके जीवन को बर्बाद कर देती है, क्योंकि कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसी चीजें, ऐसी बातें हम कह डालते हैं जो सामने वाले के दिल पर छाप छोड़ जाती है। हम दिल के तो अच्छे हैं, लेकिन हमारी जुबान कड़वी है। हमारा मन तो अच्छा है, हम दूसरों के लिए गलत तो नहीं सोचते, लेकिन जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा यही दिल अनाप शनाप बकता है। हम उससे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन हम झगड़ते भी कम नहीं है। रीजन क्या है? यहाँ पर हम लोग ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बड़ा तवज्जो देते हैं, क्योंकि मंगल साहस, क्रोध और ऊर्जा का प्रतीक है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल की पोजिशन सही नहीं है या फिर मंगल नीचस्त है, तो कभी कभी नीचस्त मंगल भी अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन फिर भी मंगल अगर आपकी कुंडली में किसी लग्न के साथ है या फिर बुध के साथ इसका कनेक्शन बनता है, तो वहां पर इस चीज को देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर मंगल की वजह से आपका तेवर कैसा रहता है। तो गुस्सा जब भी आए, सिर्फ इस उपाय को याद रखिएगा। इस उपाय को करने मात्र से आपका गुस्सा तुरंत ठंडा पड़ जाएगा। तो सारी चीजें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मंगल का बहुत सारा कारण होता है, यानी दुर्घटना, चोट लगना या फिर आपके दिल पे चोट लगना। क्योंकि गुस्सा कहाँ से आता है मालूम है? जब आपके अहम को चोट पहुंचती है, जब आपके दिल को चोट पहुंचती है, एक्सपेक्टेशंस को चोट पहुंचती है, तो वहीं से गुस्सा जन्म लेता है। वहीं पर चोट लगना, एक्सीडेंट, दुर्घटना, आपको मरते मरते बच जाना, इसका भी कहीं ना कहीं रीजन मंगल ही होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को तो गुस्सा को शांत करने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए मैं मंगल के कुछ उपाय बता दे रही हूँ, और उसके बाद इंस्टेंट कुछ रेमेडीज है जिसको अप्लाई कीजिए। यानी जैसे ही आपको गुस्सा आता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, लगता है सब कुछ तोड़ फोड़ कर दूं, उसी समय आपको ये लास्ट का उपाय करना है। लेकिन पहले मंगल को शांत करने का उपाय मैं बता देती हूँ। मंगल को शांत करने के लिए आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि एवरी ट्यूजडे एंड सैटरडे हनुमान चालीसा का पाठ करना। हर मंगलवार आपको थोड़ा सा ही सही, लेकिन फिर भी 250 ग्राम या 500 ग्राम मसूर की दाल दान जरूर देनी चाहिए। या तो आप जरूरतमंद को दीजिए या फिर आप किसी मंदिर में दान कीजिए, इससे भी मंगल शांत होता है। दूसरी बात, पीपल के वृक्ष की पूजा कीजिए, यानी वहां पर जाकर मंगलवार के दिन किसी मंदिर के पीपल वृक्ष के पास जाकर आपको 7 परिक्रमा करनी रहती है, और वहीं पर बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इससे मंगल तो शांत ही होता है, मंगल के प्रभाव भी घटते हैं अगर कुप्रभाव है तो, ठीक है, तो वो घटते हैं। और इसके साथ ही दुर्घटना, रोग, व्याधि, गुस्सा, रिश्ता टूट जाना, इन सारी चीजों से आप मुक्ति भी पा सकते हैं। तो ये था ज्योतिषीय उपाय। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इंस्टेंट उपाय क्या करें जब हमें बहुत गुस्सा आ जाए। सबसे पहली चीज याद रखिए कि हमारी ऊर्जा, यानी वो प्रचंड शक्तिशाली हो जाती है जब हमें गुस्सा आता है ना, शक्तिशाली, गर्म हो जाती है। तो सबसे पहले करना चाहिए कि कम से कम आप 2-3 ग्लास, जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए ना, तो आप 2-3 ग्लास पानी पी लो धीरे धीरे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ेगा, तो आपका गुस्सा भी ठंडा होगा। दूसरा, जल्दी से जाकर नहा लो अगर हो सके तो, बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तीसरी चीज, सर पे थोड़ा सा पानी डालो, इससे क्या होगा, आपका गुस्सा उतरेगा, क्योंकि आपकी बॉडी टेम्परेचर जब धीरे धीरे बैलेंस्ड होने लग जाती है तो फिर आपका गुस्सा भी शांत होने लग जाता है। आपको करना क्या है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ ना कुछ कर डालेंगे या फिर गुस्से में आकर कोई एक ऐसा कदम उठा लेंगे जो भविष्य के लिए खराब है, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ 11 बार गायत्री मंत्र का चैंटिंग कीजिए। आप तुरंत देखेंगे 11 बार गायत्री मंत्र चांट करते ही आपका गुस्सा जो है वो धीरे धीरे घट रहा है। आपको ऐसी स्थिति में गायत्री मंत्र लेकर जाएगी कि आप सोच में पड़ेंगे या फिर सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये गुस्सा मैंने क्यों किया, क्या नुकसान हो सकता था।
आखिर गुस्से से मुझे क्या फायदा होगा या नुकसान ज्यादा होगा। तो गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो प्रचंड शक्तिशाली है, कभी भी किसी भी असमय के लिए, किसी भी अचानक कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक उसी समय 11 बार आप उंगलियों से गिन कर ही सही गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा कि आप किस परिस्थिति में जाने वाले थे उस परिस्थिति से आप बच गए हैं, यानी बुरे परिस्थिति से आप बच चुके हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि मंत्रों की चांटिंग से हमारे 7 चक्र जो है वो बैलेंस्ड होते हैं। तो आप अपने इष्ट देव का या फिर अपने दीक्षित गुरु का या फिर आप अपने द्वारा किसी भी मंत्र का अगर आप चांटिंग करते हैं तो इससे आपके 7 चक्र बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाते हैं। और इन सारी चीज़ों को अगर अपनाते हैं अपने जीवन में, यानी कि एक तो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल वे बताया कि कैसे मंगल को शांत करते हैं, दूसरा पानी का बताया और तीसरा गायत्री मंत्र बताया। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको कभी ऐसे सिचुएशन का सामना ही नहीं करना पड़ेगा जिस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो सिचुएशन आपको बुरे कंडीशन की तरफ लेकर जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन नहीं आने वाला है अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो एक आखिरी उपाय आप लोगों को और बता देती हूँ। कलर्स का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अर्थ होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप मानसिक तनाव से ज्यादा गुजरते हैं, अगर आपको लगता है कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी की बनती नहीं है, तो आप एक कलर को थोड़ा कम यूज कीजिए और वो कलर है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर को जितना ज्यादा हो सके कुछ दिनों के लिए अवॉइड कीजिए, 2 महीना 3 महीना। और कौन से कलर का ज्यादा उपयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा येलो, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, इन सारे कलर्स का यूज कीजिए। क्योंकि आप जब इन कलर्स के बीच में रहते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपकी चिंता, आपका एनर्जी लेवल वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, यानी कि वो आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी एनर्जी के साथ वो कलर जो है वो कलर आपको आराम देता है। तो इस वजह से ही आप इन कलर्स का चुनाव कीजिए। देखिए बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन अगर अपनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपको इससे लाभ मिलने वाला है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा शांति वाला नमस्कार।